बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सीधे बात पर आ जाता हूँ क्योंकि मेरा सबसे आखिरी सेशन है ये। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनजस्टिस की, इनजस्टिस बाबरी मस्जिद पर जो नाइंसाफी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बार बार ये बात आ रहा है कि इनजस्टिस जो है ये पिछले 2019 में जजमेंट के साथ हुआ। थोड़ा हमें उसमें पीछे जाना पड़ेगा, इनजस्टिस जो है 2019 से नहीं हुआ, बहुत पहले से हो रहा है और अलग अलग लोगों ने किया। तो बाबरी मस्जिद के साथ जो इंजस्टिस हुआ, मुझे लगता है कि तीन तरीके की कैटेगरीज के लोगों ने इसके साथ इंजस्टिस किया होगा। इसमें पहला कैटेगरी जो आता है वो हमारे मुल्क के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की तरफ से होगा, वाइदर इट सेक्युलर गवर्नमेंट और कम्युनल गवर्नमेंट, एक सक्सेसिव गवर्नमेंट पहला है। दूसरा हमारा जुडिशरी, तीसरा मुस्लिम कम्युनिटी, ये तीनों भी है। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, मैं आगे आपके सामने उस बात को रखूंगा। तो पहली चीज अगर हम देखेंगे, ये जो 2019 में जो जजमेंट आया, ये जजमेंट जो है आखिरी कड़ी थी। इससे पहले बहुत सारे सीरीज थे, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे बाबरी मस्जिद का जिस दिन से इशू हुआ उस दिन से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो इंसिडेंट्स ने बार बार लगातार बाबरी मस्जिद पर इनजस्टिस किया। आप सबसे पहला केस ले लीजिए 1949 को, जब वहां पर मूर्तियां रखी गई। हमारे बुक्स में आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप उस को सरायू नदी में फेंक दो, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं फेंक नहीं सकता। तो प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहे थे, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इतना मजबूर था कि वो सेंट्रल फोर्सेस को नहीं भेज सकता था, क्या वो इंटरवीन नहीं कर सकता था? बस एक आराम से एक रीजन दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेडी नहीं थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। और प्राइम मिनिस्टर को पता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि ये एक टाइम बॉम्ब है, कभी भी जाकर इंडिया के अंदर जो है इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में जो है 1947 से लेकर 1949 तक ये दो साल जो थे, ये दो साल बहुत ही ज्यादा एक कम्युनली राइप एक माहौल था, बहुत ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स पूरे इंडिया में, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में बहुत सारे कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो इस तरीके के एक माहौल में जब आप जानते हैं कि मुल्क में धर्म के नाम पर मुल्क का बंटवारा हुआ है, उसके बाद ऐसे एक रिलीजियस इश्यूज को जिंदा रखना कितना डेंजरस हो सकता है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था, उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें इंटरफियर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया, इशू को ऐसे ही बरकरार रखा। दूसरा चीज, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी थी। आप वहां पर एक मूर्ति रखती है, आप निकाल सकते थे, कौन सी बड़ी चीज थी निकालने के लिए, इस वक्त की जैसा अभी के जैसे माहौल भी नहीं था। और एक चीज हमें याद रखना चाहिए, जो राम मंदिर अयोध्या इशू है ना, ये 1980s तक नेशनल इशू नहीं था, ये नेशनल इशूज 1980s के बाद बना। उस वक्त 1949 में सावरकर ने सबसे पहली बार इसको नेशनल इशूज बनाने की कोशिश की थी, नागपुर में जब अपने जो एक हिंदू महासभा के स्पीच में सबसे पहले सावरकर ने ये मूर्ति रखने के इश्यूज को रेस किया था। और उस वक्त हिंदू महासभा के जो एक्टिविस्ट थे और उनके जो पॉलिटिशियंस थे, वो लोग इसको इशू बनाया करते थे, ये नेशनल इशू कभी भी नहीं था, ये सिर्फ एक लोकल इशू था। और जैसा आप जानते हैं, मुझसे पहले प्रोफेसर मीना ने भी एक बात कही थी कि जो राम का इमेज जिस तरीके से बनाया गया, हर कोई जानता है कि राम का जो इमेज था वो एक नॉर्थ इंडियन अपर कास्ट खुदा के बारे में, एक गॉड के बारे में एक इमेज था, एक डीटी का इमेज था। साउथ इंडिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग उनके खुदा होते थे। तो ये भी 1980s के बाद का एक सिम्टम है। तो ये जो जस्टिफिकेशन आज की सेक्युलर गवर्नमेंट देती है, स्पेशली कांग्रेस देती है कि बड़ा इशू हो जाता वहां से मंदिर मूर्तियों को निकालने, वो एकदम ही बेबुनियाद है। वो सिर्फ एक लोकल अयोध्या का इशू था, उसको बहुत इजीली डील कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। नंबर थ्री अगर आप देखेंगे, उसके बाद वापिस मैं आता हूँ सेक्युलर गवर्नमेंट्स की एक नाकामी के ऊपर। 1989 में जब शिलान्यास वहां पर हुआ, वो शिलान्यास को भी करने दिया गया, उस वक्त भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी, वो भी एक इनजस्टिस था। जब आपको पता था कि ये एक बहुत बड़ा एक आग लगने वाला है ऐसा एक शिलान्यास करने से, फिर भी राजीव गांधी ने उसका परमिशन दिया, क्योंकि राजीव गांधी खुद एक बैकफुट में थे। शाहबानो केस के बाद उन्हें अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को दिखाना जरूरी था, अपना एक बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी था। इसलिए हम देखते हैं कि 1989 में उन्होंने शिलान्यास की परमिशन भी दी, और वहां पर अपने इलेक्शन कैंपेन को अयोध्या से शुरू करके राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भी राजीव गांधी की तरफ से ही आया। तो ये पूरी तरीके से आप सिर्फ एक फैसिस्ट आरएसएस फैसिस्ट के ऊपर नहीं डाल सकते, यहाँ पर भी बहुत चीजें हुए। 92 में आप देखिए, 92 में मस्जिद की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। आज तक पता नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस को किसने ऑर्डर दिया वहां से हटने के लिए।
इंडिया की एक आर्म्ड फोर्सेस जो एक तरफ से पाकिस्तान को फेस कर रही है, एक तरफ से चाइना को फेस कर रही है, अलग अलग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स को फेस कर रही है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मस्जिद प्रोटेक्शन करने नहीं हुआ क्या? इसका मतलब क्या है? वो मस्जिद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि मस्जिद की प्रोटेक्शन ना करें। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए 1992 से लेकर 1996 तक इंडिया में एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी। इंडिया में कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी 1996 तक, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। अब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट के वक्त नरसिम्हा राव बहुत चीज कर सकते थे। जिस दिन बाबरी मस्जिद के शहीद हुआ, आकर मुल्क के सामने एकदम फसी उर्दू में आकर वो स्पीच कर रहे थे कि वापिस तामीर होगी, लेकिन क्या किस चीज ने उन्हें रोका? 1995 या 96 तक कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको किसने रोका वहां पर वापस मस्जिद की तामीर करने के लिए? किसी ने नहीं रोका। यानी स्टेटस को रखना उनका एक मकसद था। उसके बाद वापस हम कहते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक वापस इंडिया के अंदर 10 साल एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी। वो 10 साल सेक्युलर गवर्नमेंट के दौरान में क्या हुआ? 2010 में लिबरन कमीशन का रिपोर्ट आया गया। लिबरन कमीशन के अंदर पूरी तरीके से 48 एक्सटेंशन के बाद हम देखते हैं कि उसमें पूरी तरीके से कौन कौन इसके अंदर कल्प्रिट से उनको उनका नाम लिखा गया, लेकिन क्या किया गया? ना तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, ना तो एक जुडिशियल एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कमिटमेंट ही नहीं था आपका। और देखिए, ये बाबरी मस्जिद इशू को डील करने के वक्त जब आरएसएस के लोग, जब संघ परिवार इसको एक वेरी एक्सट्रीम हिंदुत्व एंगल से लेके जा रहे थे, उस वक्त इंडिया में जरूरत थी, द गवर्नमेंट हैड टू परफॉर्म समथिंग कॉल्ड एज वेरी एग्रेसिव सेक्युलरिज्म। देयर वाज अ नीड ऑफ एग्रेसिव सेक्युलरिज्म, लेकिन वो एग्रेसिव सेक्युलरिज्म इंडियन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने नहीं दिखाया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी नहीं दिखाया, अभी की गवर्नमेंट ने भी नहीं दिखाया। जब जरूरत था एग्रेसिव सेक्युलरिज्म दिखाने की, आपने नहीं दिखाया। क्योंकि यही पॉइंट होता है, देखिए एक तरफ से बीजेपी जो है हिंदू वोट्स कंसोलिडेशन कर रही थी, उस वक्त से ये सेक्युलर पार्टीज जो थे वो सेक्युलर पार्टीज को जरूरत था कि एक तरफ से जब हिंदुत्व को इतना स्ट्रांगली प्रमोट किया जा रहा है, आपको जरूरत था कि आप सेक्युलरिज्म को स्ट्रांगली प्रमोट करें। आपका सेक्युलरिज्म क्या है? क्या सेक्युलरिज्म ये है क्या किसी एक मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में आके टोपी पहने, ये सेक्युलरिज्म है क्या? या फिर कहीं पर एक चर्च में जाके कैंडल लगा दे, ये सेक्युलरिज्म है क्या? ये सेक्युलरिज्म नहीं है, और ऐसी सेक्युलरिज्म की जरूरत भी नहीं है। ऐसी सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है। आप किसी मुसलमानों के प्रोग्राम में आकर टोपी पहनने से सेक्युलर नहीं होंगे, या क्रिश्चियनों के चर्च में जाके कैंडल लगाने से आप सेक्युलर नहीं होंगे। आप सेक्युलर तब होंगे जब आप सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करेंगे, एग्रेसिवली प्रमोट करेंगे। जब एक तरीके से बहुत स्ट्रांगली जब एक हिंदुत्व, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, तो यू कैन नॉट प्ले सॉफ्ट हिंदुत्व, यू हैव टू प्रमोट एग्रेसिव सेक्युलरिज्म। वो काम उस वक्त पे नहीं हुआ। तो ये इनजस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं, 2019 का इनजस्टिस आखिरी था, 2020 में जो सबको रिहा किया गया वो आखिरी था, उससे पहले ये सेक्युलर पार्टीज के तरफ से बहुत सारे इनजस्टिस हुए। अब आप देखिए, दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, जुडिशरी का आप ले लीजिए। जुडिशरी के बारे में भी हम लोग कहते हैं कि जस्टिस गोगोई ने आकर ऐसा एक फैसला दे दिया। देखिए, मुझे तो लगता है कि वो एक फाइनल चीज था। उससे पहले अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ये जुडिशरी ने ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ये जुडिशियरी ने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया, जब बाबरी मस्जिद का अंदर मूर्तियों को रखा गया और उसके बाद वहां पर इंजेक्शन ये किया गया कि उस मूर्तियों को निकालना है, वहां की जो लोकल कोर्ट थी, उस कोर्ट ने उस इंजेक्शन को मेंटेन किया, रिस्ट्रेन ऑर्डर दिया कि मूर्तियों को आप नहीं निकाल सकते। यानी जब गवर्नमेंट मूर्तियों को नहीं निकाल सकती थी, तब कोर्ट को फॉरवर्ड आकर ऑर्डर देना चाहिए था कि मूर्तियों को निकालो, लेकिन कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया, वहां पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया, मूर्तियों को निकालने के लिए नहीं दिया। नंबर दो, वहां पर पूजा का ऑर्डर उन्होंने दे दिया, यानी जो पूजा वहां पर कभी होती भी नहीं थी उस मस्जिद में। जैसे मुझसे पहले अहमद बेग साहब ने कहा कि जिस दिन 22 दिसंबर के रात के 8 बजे वहां पर नमाज हुई थी, 22 दिसंबर 8 PM नमाज हुई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद सेकेंड डे से हम देखते हैं 23 मॉर्निंग से वहां पर नमाज को रोक दिया गया, बट जो पूजा थी उस पूजा को अलाउ किया। क्यों अलाउ किया? जब आपको पता था ऐसे एक डिस्प्यूटेड लैंड है जहां पर आप नमाज को रोकते हैं, तो कोर्ट ने क्यों वहां पर पूजा पालाव किया? वो इसलिए क्योंकि एक इशू को क्रिएट करना चाहते थे। यानी जब गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया, जुडिशरी ने भी अपना काम नहीं किया। उसके बाद में एक हिस्टोरिक हम एक जजमेंट हम देखते हैं उसके बाद जो आया, जो 1980s में, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जब वहां पर M.K. पांडे नाम के एक मजिस्ट्रेट ने वहां पर पूरी तरीके से खोल दिया उसकी पूजा के लिए, और एक केस ऑलरेडी 1961 का केस पेंडिंग था,
जो एक स्टेटस जो टाइटल सूट का केस पेंडिंग था, वो केस पेंडिंग होने के बावजूद वहां पर एक ऑर्डर पास किया जाता है कि मस्जिद पूजा के लिए मस्जिद को खोल दिया जाए, मस्जिद के दरवाजे खोला जाए, लेकिन नमाजियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये वो दिन था जब एक्चुअली मस्जिद चला गया। हम लोग सोचते हैं कि 1992 को डिमोलिशन जो हुआ उस दिन मस्जिद गया, उस दिन नहीं गया। 1986 में जो एम के पांडे का जो एक ऑर्डर आया था जिसमें उसने मस्जिद को खोल दिया था पूजा के लिए, दैट वाज द डे व्हेन वी लॉस्ट बाबरी मस्जिद, उस दिन बाबरी मस्जिद चला गया। और उसके बाद भी सक्सेसिव ऑर्डर्स आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमने उसके बाद का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का देखा, उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास था जजमेंट आने के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पर एक उनके पास जजमेंट की एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे थे, वो लोग वहां पर लोकल मोहल्ले लेवल का बंटवारा कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गट्स नहीं था, सही एक फैसला सुनाने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये श्री श्री रविशंकर टाइप जैसे लोग कौन है वो, समझे, कौन है श्री श्री रविशंकर, समझे, कोई जुडिशियल कोई जज है क्या, कि इंडिया के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट रखने वाला आदमी है क्या, ऐसे लोगों को कह रहा था कि आप मीडिएशन करो, हु इज इट टू डू मीडिएशन, ऐसे लोग हैं कौन मीडिएशन करने वाले। यानी सुप्रीम कोर्ट इतना वीक था क्या कि इट वॉज अफ्रेड टू टेक अ जजमेंट और अफ्रेड टू डिसाइड समथिंग अगेंस्ट द मेजोरिटी कम्युनिटी, फियरिंग अ बैकलैश और फियरिंग सम पॉलिटिकल प्रेशर, इतना डर था क्या सुप्रीम कोर्ट का। और आखिरकार जो डर का हम सब लोगों को पता था कि जो डर इन्हें होने वाला है, वही डर हमें आगे जाके मिला कि 9 नवंबर 2019 को जजमेंट दिया गया। मैं हाल ही में एक आईपीएस ऑफिसर से मिला था, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि वो जिम में थे और जिम में वो टीवी देख रहे थे, सुबह से हियरिंग सुन रहे थे, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां पर नमाजें पढ़ी जाती थी, नंबर वन। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि वहां पर मूर्तियों को जबरदस्ती रखा गया, विच वॉज अ क्रिमिनल एक्ट। उसके बाद वापस वो कहता है कि जो मस्जिद को डिमोलिश किया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था। तब ये मुझे जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो मुझे कह रहे थे कि जब ये पूरा न्यूज आया जिम में तो मैंने टीवी को ऑफ किया और मैं घर चला गया, क्योंकि मुझे लगा अब जमीन जो है मस्जिद को ही मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर क्लेम को माना है। लेकिन जब घर जाके टीवी ऑन करते हैं, देन यू आर सीइंग दैट हाउएवर, एक वर्ड क्वेश्चन, हाउएवर आस्था की बुनियाद पर आप जगह को रामलला को दे रहे हैं, यानी हर चीज आप मानकर आगे दे रहे हैं। और ये जो एक जजमेंट था इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उस वक्त क्वेश्चन भी किया, और एक चीज क्लियर था, वी आर सेइंग दिस जजमेंट, बाबरी मस्जिद जजमेंट वॉज नॉट रिटन इन द सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज रिटन एट नागपुर हेडक्वार्टर ऑफ द आरएसएस, द सुप्रीम कोर्ट जजेस ओनली रिसाइटेड इट, उन्होंने सिर्फ पढ़ा है उसको, उन्होंने इसको उस जजमेंट को लिखा नहीं है, उस जजमेंट को जिनसे पढ़ा है वो जजमेंट नागपुर में बनाया गया। तो ये दूसरा कैटेगरी है जिसने मुसलसल, जुडिशियरी ने भी मुसलसल सिर्फ 2019 में नहीं बल्कि 1949 से ही हम देखते हैं जुडिशियरी का एटीट्यूड बाबरी मस्जिद के लिए हमेशा एक नेगेटिव रहा है। नंबर थ्री आता है मुस्लिम कम्युनिटी का। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को मैं यहाँ पर क्यों ठहरा रहा हूँ। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का एक रोल था, आपकी मस्जिद है ना, आपने देखा है ना अपने आंखों के सामने देखा, ऐसा तो कोई काल्पनिक एक इमेजिनरी मस्जिद तो नहीं है ना, आंखों के सामने था मस्जिद, सुन रहे थे उसके बारे में। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का रोल क्या था इस मस्जिद को बचाने के लिए, क्या रोल था, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मूवमेंट्स हुए, कैंपेन्स हुए। जब 1980s के अंदर पूरे इंडिया के अंदर एक फिक्शन को लेकर इतना बड़ा कैंपेन किया गया था, उस कैंपेन के अगेंस्ट में आप देखेंगे एक फैक्ट को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी का क्या कैंपेन था, हर कोई खामोश था, ना तो मस्जिद की प्रोटेक्शन के लिए कोई थे वहां पर। मस्जिद जब डिमोलिश हो गई 1992 को, उसके बाद से लेके बाबरी मस्जिद को याद करने के लिए भी ये कम्युनिटी रेडी नहीं थी। ये कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे भूल जाओ, फॉरगेट इट करके। उन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मस्जिद, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अ फिजिकल बिल्डिंग, इट्स अ मैटर ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, वेदर माइनॉरिटीज हैव इक्वल राइट्स इन इंडिया, वेदर द मुस्लिम आइडेंटिटी हैज एनी वैल्यू इन इंडिया और नॉट, ये चीज था। लेकिन ये चीज भी किसी को पड़ी नहीं कि सब लोग सोच रहे थे कि मस्जिद है ना, यहां बना लेंगे वहां बना लेंगे। अब मस्जिद चली गई, अब वो लोग काशी पूछ रहे हैं, अब वो मथुरा पूछ रहे हैं, एक आदमी आके बोल रहा है 3000 मस्जिद है, और कोई स्पीच में कह रहा है 30,000 मस्जिद है, कितने देंगे। देखिए अगर ये जमीन का मामला होता, अगर ये एक इमारत का मामला होता दे देते, यू वुड हैव गिवन इट, समझे। ये इमारत का मामला, एक लैंड का मामला कभी भी नहीं था, इट वॉज नेवर अ मैटर ऑफ लैंड, कभी भी नहीं था जमीन का मामला।
वो एक मामला था इंडिया के अंदर मुसलमानों को ये पैगाम देना कि यू आर नॉट आवर इक्वल्स, आप हमारे बराबर नहीं हो, आपकी जगह हमारी बराबरी की नहीं है। ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहते रहे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम कभी भी एक बुलिंग के साथ ले सकते हैं, एक मेजोरिटेरियन बुलिंग करके हम लोग कभी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते आप पॉलिटिकली आप कुछ नहीं कर सकते, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताना था उन्हें और उन्होंने ये 1992 6 दिसंबर को ये बताया। अब मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक रिस्पांस होना चाहिए था, एक सोशल डेमोक्रेटिक एक रिस्पांस होता है, वो कहां था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगली फाइट कर रही थी, दूसरे कौन से ऐसे तंजीम जो रास्ते में थे? वो तो हम एक पागल थे पॉपुलर फ्रंट वाले के हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद कहते रहते थे। हर साल हमें पता था कि केस होने वाला है, हर साल हमारे मेंबर पर बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगाने पर केस हो रहे हैं, हर साल हमें पता था, मालूम होने के बावजूद भी हम लोग लगा रहे थे, हर साल हमें पता था कि प्रोटेस्ट करने पर केस होगा, फिर भी जाकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आने वाले 6 दिसंबर को हमें पता है, 100% पता है, हम जब पोस्टर लगाएंगे हम पर केस होगा, हमें 100% पता है कि जब हम प्रोटेस्ट करेंगे हम पर केस होगा, फिर भी हम करेंगे क्योंकि बाबरी मस्जिद की याद को हम लोग भूलेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी भूल गई। कितने मस्जिदों में बाबरी मस्जिद के बारे में जिक्र हो रहा था? हमारी इसी मस्जिदों के अंदर फलस्तीन के बारे में बड़े बड़े बात होते हैं, अलक्सा, जेरूसलम, सुल्तान सलाउद्दीन, बड़े बड़े बातें होते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के बारे में कहाँ बात हो रही थी? बाबरी मस्जिद के बारे में तो कोई खुतबा भी नहीं हो रहा था, बाबरी मस्जिद के बारे में एक फ्राइडे सरमन भी नहीं हो रहा था। यानी इनडायरेक्टली वी वॉन्टेड द कम्युनिटी टू फॉरगेट इट, हम चाहते थे कि आप लोग भूल जाए, इसीलिए तो किसी पता नहीं। आज बुला कर एक 15 साल के बच्चे को बुलाओ बाबरी मस्जिद क्या, उसे पता नहीं है वो, इसलिए क्योंकि जिस तरीके का एक याद को जिंदा रखना था तो याद को जिंदा नहीं रखा गया। तो ये एक मेजर एक प्रॉब्लम था मुस्लिम कम्युनिटी का, और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद के साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इनजस्टिस किया है, जितना इनजस्टिस यहाँ की सेक्युलर गवर्नमेंट्स ने किया है, जितना इनजस्टिस जुडिशरी की तरफ से हुआ है, उतना इनजस्टिस मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी हुआ है। अब मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि लोग कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का किस्सा खत्म हो गया। देखो, बाबरी मस्जिद का किस्सा खत्म नहीं हुआ है, ये तो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है। आप देखिए कितने लोगों पर अभी जो एक इनजस्टिस बाबरी मस्जिद एक बिल्डिंग पर हुई थी, अब वो इनजस्टिस इंडिविजुअल्स पर हो रहे हैं, अब वो इनजस्टिस इंडिविजुअल पर हो रहे हैं। जुडिशरी का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड एक मस्जिद के तहत क्या था, हम देखते हैं कि जुडिशरी का वो एटीट्यूड इंडिविजुअल्स की तरफ आ रहा है। इम्पॉसिबल है लोअर कोर्ट में बेल मिलना। अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो और अगर गवर्नमेंट आपको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में अरेस्ट करती है तो इम्पॉसिबल है लोअर कोर्ट में बेल मिलना, इम्पॉसिबल, भूल जाइए आप, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा एक मामूली बेल के लिए। हम लोग कहते हैं कि बेल इज द रूल करके हम कहते हैं, लेकिन कहां है बेल इज द रूल? UAPA सेडिशन, PMLA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऐसे एक्ट को इस्तेमाल कर एक एक इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग अरेस्ट हुए रहे हैं वो कोई भी बाहर नहीं आ रहे। आप एक एक एग्जांपल आप ले लीजिए, सिद्दीक कापन का केस ले, सिद्दीक कापन, अतीक, रऊफ, ये केसेस आप ले लीजिए। क्या हुआ इन केसेस के अंदर? सिद्दीक कापन और बाकी तीन लोग एक दलित लड़की का जो रेप हुआ था उसको रिपोर्ट करने के लिए वहां पर गए थे, और कैंपस फ्रंट के लोग वहां पर एक्टिविस्ट, तीन एक्टिविस्ट मिलने के लिए गए थे उनसे, उनको अरेस्ट किया गया एक इमेजिनरी केस में, एक इमेजिनरी केस, इमेजिनरी कास्ट वायलेंस इट्स नेवर हैपेंड, एक ऐसा कास्ट वायलेंस जो हुआ ही नहीं। बताया जा रहा था कि ये लोग वहां पर जाएंगे कास्ट वायलेंस करने के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा न्यूज लॉन्ड्री में एक बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज आया था, ये सिद्दीक कापन और ये हाथरस केस को लेके बेहतरीन एक सीरीज आया था। अगर आप लोग सीरीज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ब्रिलियंट स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ है यहाँ पर, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड लेवल का स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ है इस हाथरस केस के अंदर। स्टोरीज को क्रिएट किया गया एक के बाद एक व्हाट्सएप के एक चैट को लेके, व्हाट्सएप के एक सिंगल चैट को लेके, सीरीज ऑफ चैट नहीं, सिंगल चैट को लेके एक स्टोरी क्रिएट किया गया। सिद्दीक कापन जैसा एक आदमी जो एक जर्नलिस्ट है उसको साउथ टेरर का एक फेस बनाया गया था। रऊफ जैसा एक आदमी जो कैंपस फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी है उसको इंटरनेशनल फंडर, टेरर फंडर उसको बताया गया था। इस तरीके का एक केस इशू क्रिएट किया, और हर कोई जानता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो, हर कोई जानता है पॉलिटिकल मोटिव। लेकिन क्या हुआ, क्या लोअर कोर्ट उन्हें बेल दे रहा है? नहीं दे रहा है। सिद्दीक कापन की माँ बीमार थी, एक जर्नलिस्ट सिद्दीक कापन की माँ बीमार थी, लेकिन उसे बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
उसका बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, एक एक, एक माँ को, माँ बीमार है, माँ को देखने के लिए, वो भी उसे चंद दिनों का एक बेल मिला था, फिर उसे वापस जाना पड़ा। और वही हाल पर हम देखते हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट जो है अर्नब गोस्वामी के इश्यूज पर फट करके आ जाती है, रातों रातों को आ जाती है और बड़े लिबर्टी की बात करती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लिबर्टी, अर्नब गोस्वामी का लिबर्टी अलग है और सिद्दीक कापन का लिबर्टी अलग है क्या हमारे मुल्क के अंदर? क्या दोनों का लिबर्टी अलग है क्या? कि सिद्दीक, अर्नब गोस्वामी को एक अलग आप ट्रीटमेंट देंगे और सिद्दीक कापन को एक अलग ट्रीटमेंट देंगे? दूसरा आप देखिए उसी केस के अंदर अतीक का, आप देखिए अतीकुर रहमान जो यूपी का रहने वाला है, कैंपस फ्रंट का नेशनल ट्रेजरर है, अतीक अरेस्टेड है एक साल से। अतीक को सीवियर हार्ट एलमेंट है अतीक को, उसके दिल के अंदर प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इमीडिएट बेल चाहिए उसके लिए, लेकिन लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, लेकिन कोर्ट रेडी नहीं है इमीडिएट हियरिंग के लिए, अर्जेंसी के लिए कोर्ट रेडी नहीं है। कोर्ट कह रही है कि जो दूसरे पेटिशन जा रहे हैं उस पेटिशन के साथ ऐड करके उसे लेके आ जाओ। यानी कहां पर अर्जेंसी? अर्नब गोस्वामी के लिए आपको अर्जेंसी है, लेकिन अतीक के लिए आपके पास अर्जेंसी नहीं। अतीक मरा तो भी चलेगा, सेम केस आप ले डॉक्टर स्टैन स्वामी का भी ले लीजिए। क्या पूछा था स्टैन स्वामी ने? एक स्ट्रॉ पूछा था, क्योंकि पार्किंसन की वजह से पानी नहीं पी सकते थे, स्ट्रॉ भी नहीं दिए उसे जुडिशियरी ने। एक क्या था वो, स्ट्रॉ था या AK-47 था, क्या पूछ रहे थे वो? एक स्ट्रॉ तो पूछ रहे थे ना, स्ट्रॉ लेकर कौन सा बड़ा टेरर काम करेंगे जेल के अंदर वो, लेकिन स्ट्रॉ भी नहीं मिल रहा है उनको, मर गए वो। और मरने के बाद भी शर्म नाम की चीज किसी को नहीं है, जुडिशियरी को भी शर्म नहीं, किसी को भी शर्म नहीं है, हर कोई जस्टिफाई कर रहा था। और उसी चीजों में आप देखिए, जो दिल्ली राइट्स में आप देख लीजिए, उमर खालिद को, शर्जिल इमाम को, गुलफी शाह को, या जो NACA NRA प्रोटेस्ट में जो लोग अंदर है, अभी भी अंदर है, उन्होंने 2-3 साल से अभी भी अंदर है उन्होंने, और पूरा फेक वीडियोस पे पूरा केस बना है। पुलिस को पता नहीं क्या वीडियो कहां से मिला, मीडिया को पता नहीं वीडियो कहां से मिला, लेकिन ऐसे एक वीडियो के बेसिस पर केसेस डाला जाता है, लोग 2-2 साल से जेल के अंदर है, लेकिन उनको बेल नहीं होती। बेल किसको होती है? हाई प्रोफाइल लोगों को बेल होती है, ऑर्डिनरी लोगों को बेल नहीं होती। अगर आप मुसलमान है तो आपको बेल नहीं होगी, अगर आप एक एक्टिविस्ट है आपको बेल नहीं होगी, सुधा भरद्वाज जैसे लोग, ये लोगों को बेल नहीं होती, ये लोग अभी भी अंदर सड़ रहे हैं। यानी ये जो इनजस्टिस का जो एक सीरीज बाबरी मस्जिद के साथ शुरू हुआ था, लेट अस नॉट थिंक दैट इट विल एंड विद बाबरी मस्जिद, व्हाट स्टार्टेड विद द बिल्डिंग नाउ इट्स कम टू इंडिविजुअल। हम हर एक लोगों पर आ रहे हैं, ये आज सेमिनार कर रहे हैं, सेमिनार के ऊपर केस हो सकता है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे स्पीकर बात किए, इनके बातों के ऊपर उनके ऊपर केसेस हो सकता है। त्रिपुरा में हमने देखा, ट्वीट किया, उस पर 102 लोगों पर केस डाला गया जो वहां पर जाकर मिलने के लिए, उन पर केस पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर त्रिपुरा के लिए प्रेसिडेंट को एक डेमोक्रेटिक मेमोरेंडम दिया गया, पॉपुलर फ्रंट के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में प्रेसिडेंट से डिमांड कर रहे हैं कि टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द पुलिस, त्रिपुरा के पुलिस पर एक्शन लेना है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बनाना है। ऐसे एक डेमोक्रेटिक मेमोरेंडम के ऊपर 6 लोगों पर केस डाला गया कि व्हाई डिड यू सबमिट अ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम सबमिट क्यों किया, इसलिए आप पर केस हो। तो ये ट्रेंड को आप समझ लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर आ रहा है। और ये जब इतना स्ट्रांग ट्रेंड आ रहा था, ये ट्रेंड में जुडिशरी के तरफ से जो एक सुमोटो रिस्पांस होना चाहिए था, वो रिस्पांस नहीं हो रहा है। हमें भी लगता है शायद जुडिशरी के ऊपर ही बहुत प्रेशर है, जुडिशरी के ऊपर ही बहुत प्रेशर है, क्योंकि आप जानिए एक फैसिस्ट गवर्नमेंट जो होता है, फैसिस्ट गवर्नमेंट को हमेशा एक कंट्रोल आने के लिए 3 चीजों पर कंट्रोल चाहिए, ऑफिशियली 3 और अनऑफिशियली 4 पर कंट्रोल चाहिए उसे। ऑफिशियली उसे सबसे पहले लेजिस्लेचर पर कंट्रोल चाहिए। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का लेजिस्लेचर पर कंट्रोल है, दे आर द बिगेस्ट पार्टी, और अपोजिशन को इररिलेवेंट बना दिया है। दैट्स व्हाई वी से इन इंडिया टुडे वी हैव अपोजिशन पार्टीज बट वी डोंट हैव अपोजिशन। अपोजिशन पार्टीज तो है लेकिन अपोजिशन आज हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, और अपोजिशन पार्टी भी गवर्नमेंट का नैरेटिव पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए अरविंद केजरीवाल जाके गोवा में कहता है मैं आपको अयोध्या भेजूंगा, दिल्ली में जाके अयोध्या का टेंपल बना रहा है, राहुल गांधी जाके कहता है मैं शिव भक्त हूँ, या कोई जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो क्या है ये? यानी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है अपोजिशन बोल रहा है, तो अपोजिशन तो डिमोलिश हो गया, क्योंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में आइडियोलॉजी के लिए कोई बड़ा फर्क नहीं है, बोथ आर बोस्टिंग मेजोरिटीनिज्म, वही तो बोस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज जिसको कंट्रोल करना है वो होता है एग्जीक्यूटिव। आप देखिए पूरे एजेंसीज आज गवर्नमेंट के एजेंसीज क्या है, दे आर नथिंग बट सुपारी एजेंसीज, दे आर हायर्ड गन्स इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी एनीवन हु स्पीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्पीक और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ED बाहर आ जाती है, NIA बाहर आ जाती है, ID इनकम टैक्स आ जाते हैं।
अब एज पॉपुलर फ्रंट हम लोग जानते हैं, हमारे घरों पे भी रेड हुआ था, हमारे ऑफिस में रेड हुआ था, इनकम टैक्स हमें कह रहा है कि आपका 12A कैंसिल कर देंगे, ईडी कह रहा है कि आपको हम लोग आपके ऊपर केसेस डालेंगे, हमारे मेंबर्स पे जो इंक्वायरी होता है उस इंक्वायरी के वक्त ईडी ऑफिशियल मेंबरों से पूछते हैं कि बीजेपी को आप क्यों नहीं वोट देते, आपको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है। वेरी क्लियर, इट इज नथिंग टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर, इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सब चीज। तो एजेंसीज भी चले गए, इलेक्शन कमीशन चला गया, सीबीआई चला गया, सब चले गए। अब तीसरा बजा जुडिशरी, अब जुडिशरी के ऊपर कितना प्रेशर है जुडिशरी को ही पता। तो मुझसे पहले प्रोफेसर मीना ने भी एक एग्जांपल बताया था कि किस तरीके से वहां पर एक पेगासस इस्तेमाल करके जुडिशरी पर प्रेशर डाला गया था। देखिए जुडिशरी के लोग भी इंसान ही होते हैं, एक तरफ लोया है, जस्टिस लोया है, दूसरी तरफ गोगोई है। जस्टिस गोगोई बनोगे आपको एमपी सीट मिलेगा, जस्टिस लोया बनेंगे मिस्टेरियस डेथ हो जाएगा। अब एज ए इंडिविजुअल आपको भी तो सिलेक्ट करना है कि आपको लोया बनना है या गोगोई बनना है, और मुझे नहीं लगता कोई भी लोया बनने के लिए रेडी रहेगा, हर कोई गोगोई बनने के लिए रेडी रहेगा। तो जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट का एक वेरी स्ट्रांग इंटेंशन है। अभी भी मुझसे पहले जो स्पीकर साहब, एक उम्मीद है, अभी भी हमें एक उम्मीद है कि जुडिशरी के ऊपर इस गवर्नमेंट का या फैसिस्ट वर्सेस का कंप्लीट एक इन्फ्लुएंस या कंप्लीट एक कंट्रोल नहीं है। अभी भी इंडिया के अंदर जुडिशरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्ट्रांग रख रहे हैं, लेकिन कब तक, वी रियली डोंट नो टिल व्हेन दिस सम सेल और सम साउंड वॉइसेस who want to protect the secular credential of the country or want to protect the rights of the citizen, tab tak wo log ye pressure ko face karenge, tab tak ye jo ek flood aa raha hai ek hindutva pressure ka, wo kabhi sabko overflow karke chala jayega judiciary mein, hame pata nahi. So we are heading towards a very dangerous point. Finally, jo main abhi meri baat ko khatam karte hue kehta hu ke aisa ek situation aa raha hai to hamare taraf se kis tarike ka response hona hai. Hum log as Popular Front of India, हमारे बारे में लोग कहते हैं कि वेरी क्या कहते हैं कि आप लोग वेरी एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर नॉट एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, या बट वी आर अ वेरी असर्टिव ऑर्गेनाइजेशन विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आने वाली एक वेरी स्ट्रांग असर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम असर्ट करते हैं थोड़ी चीजों के ऊपर, अपने हुकूक, अपने राइट्स, अपने जो भी हमें हुकूक और राइट्स है उस चीज का हम असर्ट करते हैं, हम इतने आसानी से छोड़ के देने के लिए तैयार नहीं है। और वही चीज हम कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी, हमारे लिए याद रखिए, देखिए फिलिस्तीनियन स्ट्रगल जो है, फिलिस्तीनियन स्ट्रगल में अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा, वो स्ट्रगल में अल अक्सा जो है उनके लिए एक सेंट्रल सिंबल है, अल अक्सा उनके लिए एक सेंट्रल सिंबल है, वो अल अक्सा को छोड़कर कुछ नहीं करते, अल अक्सा सबसे सेंट्रल है। इसलिए आप देखिए जब भी अल अक्सा के खिलाफ या मस्जिद हरम के खिलाफ कुछ भी होता है, आप देखते हैं कि वहां पर किस तरीके का एक पीपल्स रेजिस्टेंस वहां पर निकल आता है जायोनिज्म के खिलाफ। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस जो है जायोनिज्म के अगेंस्ट अल अक्सा को सिंबल बना रहा है, इंडिया के अंदर भी फैसिज्म, हिंदुत्व फैसिज्म, जो आरएसएस का जो फैसिज्म है, इस फैसिज्म के अगेंस्ट बाबरी मस्जिद को हमें सिंबल बनाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद शुड बी द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हिंदुत्व फैसिज्म, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बाबरी मस्जिद की याद ताजा रखनी पड़ेगी। रिमेम्बरेंस इज द फर्स्ट डिफेंस, याद रखिए, रिमेम्बरेंस इज द फर्स्ट डिफेंस, याददाश्त सबसे पहला दिफा है। आपको बाबरी मस्जिद को याद रखना पड़ेगा, याद में जिंदा रखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि बाबरी मस्जिद क्या होगा, इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद को पुनः हम इंडिया की इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी, मुस्लिम्स नहीं, एंटायर इंडियन सोसाइटी मिलकर इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की तामीर करेगी। ये जो विश्वास हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, आपको लगता है ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन आप देखिए फिलिस्तीन एक छोटा सा मुल्क है, एक स्टेटलेस पीपल है, कुछ भी नहीं है, उन पूरा का पूरा इजराइल के कंट्रोल में अलग सा है, फिर भी आज आप देखिए एक फिलिस्तीनियन, चाहे वो एक मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो एथिस्ट हो, उन सबके लिए अल अक्सा मस्जिद एक सिंबल है, और वो चाहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद वहां पर उसका जो एक एक एक, एक स्टैंडर्ड है, उसका जो एक, एक स्टेटस है, वो स्टेटस मेंटेन रखे करके वो सिंबल बनाए हुए। लोग कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन किस तरीके से वो लोग अपना जो एक डेमोक्रेटिक और अपना जो पीपल्स रेजिस्टेंस को लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें भी ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट आरएसएस की है, समझे, पूरी हुकूमत आरएसएस की है, क्या बाबरी मस्जिद के साथ हो सकता है। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है व्हाट एफर्ट्स आर वी पुटिंग, क्या एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की याद लोगों के अंदर ताजा रखने के लिए हमारे एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा हमारे अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने क्या किया, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये याद
कि बाबरी मस्जिद क्या थी, ये क्या क्या इनजस्टिस हुए, किस तरीके से डिमोलिश किया गया, किस तरीके से मुल्क को पोलराइज किया गया, किस तरीके से मुस्लिम को अदर किया गया यहाँ पर, किस तरीके से एक जजमेंट पास करके पूरा का पूरा ना इंसाफी के ऊपर एक फाइनल कॉफिन के ऊपर एक फाइनल नेल यहाँ पर डाला गया। ये सारी चीजें आने वाले हम नस्लों को हमें पहुंचानी होगी। और फाइनल चीज मैं बताता हूँ इसके अंदर, देखिए अगर आप लोग सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने से आपको प्रॉब्लम होगा, इफ आई स्पीक अबाउट बाबरी मस्जिद और स्पीक अबाउट अगेंस्ट द हिंदुत्व फैसिज्म आई विल बी इन प्रॉब्लम, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर ये आदमी ऐसा सोच रहा है तो, क्योंकि नो वन इज सेफ, एनी वन हु इज नॉट विद द हिंदुत्व फोर्सेज इज इन डेंजर टुडे। हर कोई जो उनके साथ नहीं है डेंजर में है। आप चाहे बड़े से बड़े फिल्म स्टार हो, आप चाहे बड़े से बड़े आलिम हो, चाहे आप शाहरुख खान हो, चाहे वो कलीम सिद्दीकी हो, कोई भी हो, आप प्रॉब्लम में हो। आप उनके साथ नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हो। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप उनके गुलाम बन जाओ, उनके स्लेव बन जाओ, उनके 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 तरफ हो जाओ, या अगर आप सोचते हैं कि आई विल बी न्यूट्रल, मैं कुछ आई वोंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं खामोश रहूंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये होने वाली बातें नहीं है। आपका आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। इफ यू आर नॉट विथ हिंदुत्व फैसिज्म यू विल बी इन ट्रबल, आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि उन्हें अपने पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है। उनको उनके पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए सबसे बड़ा एनिमी उनको मुसलमानों को दिखाना पड़ेगा। वो मुसलमानों में गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, मॉडरेट मुस्लिम, या फिर रिलीजियस मुस्लिम या ट्रेडिशनल मुस्लिम, ये कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आप मुस्लिम है करके हैं, आपका नाम कोई पर्शियन या अरबिक या उर्दू जैसा है, आपको प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये समझना कि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कल किसी और का घर जल रहा है, आपका घर जलने में देरी नहीं लगेगी। सो यू हैव टू स्पीक अप, आपको बात करना पड़ेगा, आपको सिद्दीक के लिए बात करना पड़ेगा, आपको कलीम सिद्दीकी के लिए बात करना पड़ेगा, आपको उमर फारूक के लिए, वो उमर खालिद के लिए बात करना पड़ेगा, गुल्फीशाह के लिए बात करना पड़ेगा, आपको शर्जील के लिए बात करना पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा। क्योंकि दूसरों के इंसाफ के लिए जब आप बात करेंगे, बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए बात करेंगे, तब जाके हमें एक हमारे हमारे पर्सनल लाइफ में और एज अ सोसाइटी हमारे अंदर इंसाफ जिंदा रहेगी। जिस दिन हम लोग दूसरों के लिए इंसाफ के बारे में बात करना बंद करेंगे, याद रखिए आपको भी कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इतनी बातों के साथ मेरी बातों को खत्म करता हूँ। ये जो हमारा एक जद्दोजहद है बाबरी मस्जिद की याद को जिंदा रखने का, बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए जो हमारा एक स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना और अगले जनरेशन तक पास करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं वापस सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने अपने बेहतरीन रायों को पॉपुलर फ्रंट के इस सेमिनार में रखा और अपने रायों को पब्लिक के सामने रखा और हमारे साथ जुड़े। जो मैं जानता हूँ पॉपुलर फ्रंट के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में आना ही, कमिंग टू प्रोग्राम ऑफ पॉपुलर फ्रंट इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी आप लोगों ने हिम्मत करके पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हमारा कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों का दरख्वास्त करता हूँ, आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि बाबरी मस्जिद इंशाल्लाह पुनः तामीर हम करके रहेंगे। वाकिर दान अलहमदुल्ला, शुक्रिया।